बहुत सारी बातें जो आर्ट्स और कल्चर के बारे में हम लोग बात अभी करने वाले हैं, एक्चुअली पिछले सेशंस में उन पे बात हो चुकी है, क्योंकि आर्ट्स और कल्चर जो है वो हिस्ट्री से अलग नहीं हो सकता और एजुकेशन से अलग नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हिस्ट्री के साथ और एजुकेशन के साथ। तो इनफैक्ट मेरे पास जो पॉइंट्स हैं जो बात करने के लिए, वो पिछले सत्र में भी उनके ऊपर बात हो चुकी है। बेसिकली ये है कि आर्ट्स एंड कल्चर को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक पेट्रनेज की ज़रूरत है किसी भी सोसाइटी में उसको सर्वाइव करने के लिए। तो कुछ तो आर्ट्स ऐसे हैं जो कि पॉपुलर आर्ट हैं, जैसे सिनेमा है, पॉपुलर म्यूज़िक है, जो कि इंडस्ट्री सपोर्ट करती है और एक तरह से वो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। लेकिन कुछ आर्ट्स जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, जिनको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और पेट्रनेज की ज़रूरत है, ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं जैसे क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल चीज़ें हैं, थिएटर है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूज़ियम्स हैं, जो सारे के सारे एक तरह से गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, और वहाँ आकर के हमें ये सारी, क्योंकि हम पिछले एक साल की बात कर रहे हैं, पिछले एक साल में क्या हुआ, तो थोड़ा हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो कैसे असरअंदाज हुआ, इस पे क्या असर हुआ है और कैसे आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है या अकेडमीज़ हैं, म्यूज़ियम्स हैं, इन सब के हेड्स या इन सब के जो इंस्टीट्यूशनल हेड्स थे, उनको किसी तरह से, जो पहले से चले आ रहे थे, वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से उनको निकाला जा रहा है या निकाला गया है, और बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही एक तरह से कॉन्स्पिरेटोरियल तरीके से निकाला जा रहा है उनके खिलाफ, तरह तरह की वो एक तरह से कॉन्स्पिरसीज बना करके। तो एक तो वो हुआ है, और दूसरा ये कि इन इंस्टीट्यूशंस को कैसे यूज़ किया गया है और किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि DAVP जो गवर्नमेंट का की पब्लिसिटी का काम करती है, उसने करोड़ों रुपया, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन करोड़ों रुपया भी खर्च हुआ है इस पिछले एक साल में, जो सिर्फ प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को और एक पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को प्रमोट करने के लिए, हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ DAVP ने इस पे खर्च किया है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि दूरदर्शन में किस तरह से RSS के चीफ मोहन भागवत, आई थिंक इट वॉज मोहन भागवत हु गेव, जिनका एक लेक्चर टेलीकास्ट हुआ, तो किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, उनको यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल नई नहीं है, ये पहले से होती आ रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अभी से शुरू हुई हैं जब से मोदी गवर्नमेंट आई, इससे पहले भी हो रहा था, जो इससे पिछली BJP गवर्नमेंट थी उस वक्त भी काफ़ी सारा ये सब शुरू हुआ था। अगर आपने खबरें उस ज़माने की देखी हों तो कुछ नए नए इंस्टीट्यूशंस थे जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। ये जो एक रोड है जिसको शायद राउज एवेन्यू कहते हैं, जो ITO से जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, उस रोड के दोनों तरफ जो ज़मीनें थीं वो सारे, बहुत सारे प्लॉट्स बहुत से नए नए NGOs को दिए गए। ये पिछली जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो बहुत सारी नई नई संस्थाओं को उनमें से प्लॉट दिए गए, और वो सारी संस्थाएं थीं वो जो किसी ना किसी तरह से RSS के साथ या हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई थी, और उनके नए नए ऑफिसेज बनने शुरू हुए। आज अगर आप उस रोड पे जाएं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे नई संस्थाएं बनी हैं, और वो नए नए किस्म के बेसिकली आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इन सारी चीज़ों पे वो काम कर रहे हैं, लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो ये ना सिर्फ पिछली BJP गवर्नमेंट में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में भी इस तरह की चीज़ें होती आ रही हैं, काफ़ी पहले से ये सब चल रहा है, और हम, मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं। नई चीज़ें इस सेंस में है कि एक तरह से इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी उनको मिली है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरह से उसमें पॉइंट उनको मिला है। कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं पिछले दिनों, मिसाल के तौर पे जो पिछले साल क्रिसमस डे 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पे
मनाने का फैसला किया गया और तकरीबन सारे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस थे, IITs, IIMs, नवोदय विद्यालय, CBSE स्कूल, इन सबको एक तरह से उन पे वो किया गया कि क्रिसमस डे को जो है एज अ गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। इसी तरह से दो लोगों की बर्थ एनिवर्सरीज मनाने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी और दूसरे मदन मोहन मालवीय की बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए इन सारे इंस्टीट्यूशंस को हुक्म दिए गए हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब अभी हमने पिछले सेशंस में सुना कि किस तरह से NCERT के डायरेक्टर परवीन सिंक्लेयर को निकाला गया और जो कि खुद एक एक उस पर काम कर रही थी, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, विच वॉज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ इन अ वे डीसेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एंड सो इट वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दैट यू नो प्रोजेक्ट, एंड शी वॉज अनसेरेमोनियसली टेकन आउट ऑफ दैट। Then, of course, we've talked about Dinanath Batra and how his Shiksha Sanskriti Uthan Nivas has demanded a total overhaul of the education system. Then, of course, बहुत सारे जो universities हैं उनके vice chancellors को change किया गया है। BHU के vice chancellor Girish Chandra Tripathi को बनाया गया, जो कि खुद RSS के ऑफिशियल रह चुके हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। इसी तरह से ICHR के बारे में अभी हमने काफ़ी कुछ बात की, और RSS का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको इन्होंने हिस्ट्री के बारे में अभी हमने बात की कि पुराणांतर्गत इतिहास, एक तरह से पुराणों से इतिहास निकाल करके बनाना, तो ये इसके इसमें इनका प्रोजेक्ट है कि किस तरह से 670 जो डिस्ट्रिक्ट हैं कंट्री के, उन सब की अलग अलग हिस्ट्री एक तरह से दोबारा से लिखी जाए। जो ऑफिशियल गैजेट्स में जो हिस्ट्री लिखी जाती थी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक नए तरीके से उन सब की हिस्ट्रीज, और इसी तरह से 600 ट्राइबल कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री लिखी जाए। इवन दो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वॉन्ट टू कन्वर्ट द ट्राइबल्स इन टू यू नो हिंदू फोल्ड, बट एट द सेम टाइम दे आर सेइंग दैट ट्राइबल्स की जो अपनी एक पुरानी हिस्ट्री है उसको भी हमें दोबारा से नए तरीके से लिखा जाना है। ये सारी चीज़ें, फिर जो इंस्टीट्यूशनली जो चीज़ें हुई हैं, मेरे ख्याल से ध्रुव उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, किस किस अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स को चेंज किया गया वगैरह। बेसिकली मेरा ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वन आल्सो हैज़ टू लुक एट व्हाट द कॉरपोरेट हाउसेज आर डूइंग, बिकॉज आर्ट्स एंड कल्चर इज़ फाइनली आल्सो सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय द कॉरपोरेट कंपनीज, एंड विदाउट दैट यू नो इट कैन नॉट रियली सर्वाइव। एंड बिकॉज ध्रुव इज़ अ प्रैक्टिशनर, ही सिंग्स, एंड आई एम आल्सो अ फिल्म मेकर, आई आल्सो डिपेंड ऑन सम काइंड ऑफ सपोर्ट आइदर फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज और फ्रॉम the corporate houses, so we have to look at how the corporates are working on something like this. Now in that, I don't think the situation is completely like what we see in the government institutions. There are many corporates which are actually supporting a lot of arts and culture. For example, if you've seen recently a very interesting phenomenon, उर्दू ज़बान को लेकर के बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। एक नई कंपनी है Rekhta.com, और Rekhta जो है वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बिजनेस हाउस ने उसको एक तरह से शुरू किया और प्रमोट किया। तो और भी बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, शायद वहाँ पर कोई थोड़ी सी उम्मीद की किरण बाकी है, या कम से कम ये कि वहाँ पे कुछ काम किया जा सकता है और उनके साथ कुछ एक तरह से यू नो आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई काम किया जा सकता है। क्योंकि हम सब लोगों को म्यूज़िक के लिए, आर्ट्स के लिए, डांस के लिए, थिएटर के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की, और ये ऑल्सो ये जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं ये एक तरह से इनफॉर्मल भी हैं, क्योंकि आपको अगर गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू जाना है तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारी यू नो रेड टेपिज्म है, बहुत सारा यू नो एक तरह से काफ़ी एक इंस्टीट्यूशनल रेड टेपिज्म से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके कुछ मिल पाता है, या ये कि कुछ ही लोग हैं जो उन जगहों से आपको कोई चीज़ दिला तक ले सकते हैं। लेकिन एक तरह से कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं, मुझे लगता है कि
उनको एक एड्रेस किया जा सकता है और वहाँ से कोई उम्मीद रखी जा सकती है। तो हम लोग इसके बारे में बात भी कर रहे थे। एक नया टीवी चैनल शुरू हुआ है, एपिक टीवी, जो हिस्ट्री और हेरिटेज को लेकर के, ऑल्दो इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस एंड महिंद्रा एंड ऑल दैट, सो आई मीन वन हैज़ टू सी यू नो व्हाट आर द डिफरेंट विंडोज, व्हाट आर द डिफरेंट एवेन्यूज वेयर वन कैन लुक एट इन दिस रिगार्ड। और मुझे लगता है कि जो ऑर्डिनरी जो पब्लिक है उनके साथ भी एक तरह से हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और उनको उनके साथ एक अवेयरनेस बिल्टअप करने की ज़रूरत है ताकि उनको पता रहे कि क्या चल रहा है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैं अभी इतना ही कहूँगा और मेरे ख्याल से मेरे दोस्त ध्रुव इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चला सकते हैं डिस्कशन।